वर्कशीट टू यूनिट 7 कैपेसिटी। अब इसमें हमने करना क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स। पहले हमने क्या किया था, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया था, अब हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हमने क्या सीखा था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब हमने क्या सीखना है कि जी 1000 ml जो है इज इक्वल टू 1 लीटर। तो पहले ये किया था, अब हमने ये करना है। अब वो करेंगे कैसे, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहले जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो वी यूज टू मल्टीप्लाई विद 1000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे विद 1000। तो हमारा जो है ये मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि 9000 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 9000 ml को मैं 9 × 1000 ml लिख सकता हूँ। तो ये 9 × 1000 ml है किसके बराबर है, 1 लीटर के। तो इसको मैं 1 लीटर लिख सकता हूँ और इसको मैं 9 लीटर लिख सकता हूँ। तो 9000 ml जो है कितने लीटर्स के बराबर हुआ, 9 लीटर्स के। अब इसको अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो 9000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा विद 1000। तो भी अगर आप देखोगे ये 1000 को इंटू 9 अगर करेंगे तो 9000 आ जाता है, ये 0 रिमाइंडर है, तो भी हमारे को ये 9 ही आंसर आता है। तो जो भी ml में आपको दिया गया है उसको आप या तो 1000 से डिवाइड कर लो, या जैसे मैंने ये सिंपल सी चीज़ आपको सिखाई है कि 9000 ml को मैं 9 × 1000 ml लिख सकता हूँ, और जो 1000 ml है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 9 × 1 लीटर लिख सकता हूँ एंड विच इज इक्वल टू 9 लीटर्स। तो इस तरह से हम लोग अगले सम्स करने वाले हैं। ये तो था जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं था। अब मान लो हम कोई ऐसा सम करते हैं जिसमें 10001 ml दिया हुआ है और हमारे को कहा गया कि इसको लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जितना तो लीटर में कन्वर्ट हो गया उतना लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो इसको राउंड फिगर करना पड़ेगा, तो इसको 10000 ml प्लस 1 ml लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये 10001 है तो इसको मैं 10000 ml प्लस 1 ml लिख सकता हूँ, ठीक। उसके बाद अब मैं 10000 ml को देखता हूँ कि अगर मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना ये लीटर्स में आएगा। तो हमने क्या सीखा था, पहली बार 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, ये याद रख लेना। तो ये मैं 10 × 1000 ml लिख सकता हूँ, देखो मेरे को ml से लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 ml की तो फिगर मेरे को चाहिए। तो 1000 ml जो है अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10000 ml हो जाते हैं। तो इसके बाद ये 10 × 1 लीटर लिखा जा सकता है, और उस साइड पे क्या था 1 ml, तो ये 10 लीटर प्लस 1 ml लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारे को क्या आया, 10 लीटर एंड 1 ml। तो 10001 ml जो है दैट इज इक्वल टू 10 लीटर्स एंड 1 ml। तो इसको जब हम सम सॉल्व करेंगे तो दूसरा तरीका जो मैंने आपको एक और सिखाया था, इसको आप जो भी था नंबर उसको आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो सीधा ही अगर करना है। तो ये 1000
वन, अब ये थाउजेंड इधर तो हमें थाउजेंड तक तो लेना ही पड़ना है, तो वन थाउजेंड वन जा वन थाउजेंड, ये ज़ीरो आ गया, ये ऊपर से वन आया, तो यहाँ पे पहले एक ज़ीरो आएगा क्योंकि वन थाउजेंड वन नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे वन थाउजेंड इंटू ज़ीरो ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये रिमाइंडर आ गया, तो वो जो ऊपर आ रहा है वो 10 लीटर्स गिना जाएगा और ये जो बचा ये ml गिना जाएगा। तो ये एक तरीका भी है सम को सॉल्व करने का, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। नेट नेट हमें 1000 से डिवाइड करना है तो हमारे को आंसर जल्दी आ जाता है। अब दूसरा सम करते हैं, अब दूसरा सम करते हैं जी, 8008 ml, ठीक है जी। अब इसको मैं पहले 8000 ml को अलग और 8 ml को अलग लिख सकता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 वाला अलग लिख दिया और उसके बाद जो बचा उसको अलग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। तो जो 8000 ml है ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ 8 लीटर के, और यहाँ क्या बचा 8 ml। अब ये 8 L कैसे आया, 8 लीटर कैसे आया, हम 8000 जो ml था उसको हम 8 × 1000 ml लिख सकते हैं, और हमने पहले भी सीखा 1000 ml जो है दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये तो 8 वहीं का वहीं रह गया, और यहाँ पे जो 1000 ml है उसको हम 1 लीटर लिख सकते हैं, तो ये 8 × 1 लीटर लिखा जा सकता है, विच इज़ अगेन 8 लीटर्स। तो वही चीज़ हमारे को यहाँ पे आ गई, तो ये थाउजेंड्स में ml जब आ जाएंगे तो फिर वो लीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है 1000 से डिवाइड करके। कि हमने जब डिवीजन की थी ओरली तो उसमें यही सीखा था कि जब जीरोस हैं तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0000 जितने भी होंगे 1000 में वो काटे जा सकते हैं, तो सीधा ही हमारे को नंबर आ जाता है। चले अगला एक और सम करते हैं, 91313 ml, ठीक है जी। अब इसमें जो 1000 तक की फिगर है, वंस टेंस हंड्रेड्स, क्योंकि ml से हमें 1000 ml होंगे तो 1 लीटर बनेगा, तो हमें कम से कम 1000 ml तो चाहिए। तो जो 1000 तक की फिगर है उसको हम सेपरेट लिख दें, तो वंस टेंस एंड हंड्रेड्स, उसके बाद ये 1000 और 10000 आते हैं, तो इनको 91000 ml और इसको अलग 313 ml लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने किया था, तो 91000 जो ml है ये कितने लीटर्स बन गया, ये 91 लीटर्स बन गया, और जो 313 ml है वो सेपरेट आ गया। तो ये सम भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं, पर हमें एक चीज़ याद रख लेना, कम से कम 1000 ml तो चाहिए टू मेक देम इनटू कन्वर्ट देम इनटू लीटर्स। तो जो हंड्रेड्स तक की फिगर होएगी वो ml में रह जाएगी, और जो 1000 या 10000 या उससे ऊपर जो भी फिगर होगी उसको हम सेपरेट लेकर लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सम्स जो हैं आपको करने हैं। तो इस तरह से वी कम टू एंड टू वर्कशीट 2, ऑलमोस्ट मैंने सारी सम्स इसके करवा दी हैं, बाकी जो दो चार हैं वो आप खुद करोगे।